यासीन पूनावाला, क्या जो अभी जो भाई साहब मेहरुद्दीन जी ने कह दिया कि अगर मुस्लिम आबादी ज्यादा होती, इधर ही रह गई होती, तो हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर भी होता, ये अगर आप देखें तो कोई रिजवान अहमद या हर्षवर्धन त्रिपाठी को छोड़ दें और आप सीधा बाबा साहब अंबेडकर पर चले जाएं, और उनका जो कहना था कि ये कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी की सोच पर इन पर हावी होती है और देश की सोच जो है वो पीछे छूट जाती है जब धर्म का मसला आता है, तो क्या ये वही सोच है कि हम अगर ज्यादा होंगे तो हमारे बीच का कोई प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बजाय इसके कि कौन बेहतर है वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? बाबा साहेब अम्बेडकर के संघ परिवार पे क्या विचार थे वो तो मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने बिल्कुल रखूंगा, लेकिन इसके पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के सामने। मैंने इसे अभी क्रॉस चेक किया है। रिजवान अहमद जी थोड़ा सा सच्चाई से उसको छुपा रहे हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रिजवान भाई की। 1951 के सेंसस के हिसाब से 9.8% था मुसलमानों की आबादी भारत में, डिवाइडेड भारत में, लेकिन 9.8% में जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और डिवाइडेड बंग और वेस्ट बंगाल, डिवाइडेड बंगाल को नहीं गिना गया था। जब उसको लेटर ऑन ऐड किया गया तब वो पॉपुलेशन हो गया था 12.9%, जो लगभग अभी 14% है, इन रेट विद द ग्रोथ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। तो हमें चैनल पर जब हम बात करते आंकड़ों की, पूरे आंकड़े हमें सामने रखने चाहिए, गलत बात हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ आपके सामने, जितने भी भारत के मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे उन्होंने ये चुना कि वो गांधी और नेहरू के भारत में रहेंगे, ना कि जिन्ना के पाकिस्तान में। मेरे खुद के दादाजी वो गांधी जी की सेवा करते थे, गांधी जी जब जेल में थे उनकी सेवा करते थे। कस्तूरबा का जो अंतिम संस्कार हुआ वो मेरे परिवार के लोगों ने किया, आगा खान पैलेस में जो उनकी उनका देहांत हुआ था, मेरे परिवार के लोगों ने उनकी सेवा की थी। तो हम इस चीज़ से परहेज ना रखें कि मुसलमान जो थे वो भारत में नेहरू के भारत में, गांधी के भारत में, पटेल के भारत में रहना चाहते थे। तीसरी बात करते, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। ये जो आपके शो में आपने लाए कोई व्यक्ति जो अपने आप को मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, मैं नहीं मानता हूँ ये मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव है। मुसलमान के कोई रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा अधिकार नहीं आके ये कहना हमारा मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा, हिंदू प्राइम मिनिस्टर। मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरे 100 डिफरेंसेज है, वो मेरे प्रधानमंत्री है, हिंदू मुसलमान में हमें बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं। ये पता है आपके शो पर क्यों आते हैं ये सब? ये लोग इसलिए आपके शो पर आते हैं ताकि ये जहर फैलाए और ताकि जो मुद्दे की बात है वो ना हो कि आज हमारे कश्मीरी हिंदू आज की तारीख में कश्मीर छोड़ के दोबारा से जा रहे। ये लास्ट हुआ जब भाजपा सरकार में थी 1990 में, तब हमारे कश्मीर हिंदू कश्मीर छोड़ते गए, आज दोबारा से अमित शाह जी और मोदी जी छोड़कर जा रहे। मुद्दे की बात पर मुद्दे नहीं हो, इसलिए बंटवारा करने के लिए ओएसी और आरएसएस, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पास बंदूक है? नहीं, बंदूक नहीं है। तो आप किसी को गोली तो नहीं मार सकते हैं? इसका मतलब बंदूक नहीं है। जब बंदूक नहीं है तो गोली कैसे मारेंगे? बिल्कुल नहीं मार सकता हूं। तो वैसे ही ये लोग जो डिबेट में आके जहर फैलाते हैं, अंदर जहर है तभी ना फैला रहे हैं। मैं तो देता नहीं हूं इनको, जहर ले घूम रहे हैं और आकर जहर बोलते हैं, और वो जहर अंदर है तो बाहर आता है तो लोगों को दिखता है कि जहर है। मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सुशांत भाई। तो अरे ऐसे तो बहुत आ रहे हैं, किसको रिप्रेजेंटेटिव माने? मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव सर किसको माने? मेरे रिजवान भाई से बहुत लाख डिफरेंसेस हो गए, इसका मतलब अंदर जहर है ना। अरे ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गए? अरे मुसलमान प्रधानमंत्री क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे घूम तो बहुत रहे ना जहर लिए। अरे कौन कहते हैं मुसलमान प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री? कह रहा है आपके सामने एक बैठा हुआ, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे कहने वाले। हर साइड पे घूमते, वहां पे संघ परिवार के भी लोग ऐसे ही जहर फैलाते, वो आपको ओवैसी मिल जाएंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है हमारे देश में, उसकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, उस व्यक्ति की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। उस आदमी ने कभी आज तक खड़े होकर हिंदुओं के लिए कुछ बोला मुझे याद नहीं है। और वो मदद करती है भाजपा की, जिसकी भी मदद करती हो, लेकिन बात तो सिर्फ मुसलमान मुसलमान करती है। उत्तर दे दो अगर आप 10 सेकंड जो जहर की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत लोग लिए घूम रहे हैं। 10 सेकंड में उसका उत्तर दे दूं? हाँ 10 सेकंड में उसका उत्तर दे देता हूं, 10 सेकंड, उससे आगे मैं नहीं बोलूंगा। ओएसी की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में। हमारी देवी देवताओं के बारे में उनके छोटे ओएसी ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मनमोहन सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर को आदेश दिया उसको जेल में डाले, 15-20 दिन जेल में था सरकार, उसने उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया, कभी कांग्रेस के साथ
दोबारा से गठबंधन नहीं किया। कर्नाटका जाता जहां भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश जाता जहां भाजपा की सरकार है, जहर फैलाता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों भाजपा कार्रवाई नहीं करती? इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि भाजपा मुझे बताइए, अभी तमिलनाडु में आपकी सरकार चल रही है डीएमके के साथ मिलकर, और अभी जो वो राजीव गांधी को मारने वाला शख्स बाहर आया, डीएमके उसको हीरो बता रही है, आपने तोड़ लिया क्या गठबंधन? जहां सूट करेगा वहां तोड़ के अपने आपको बताएंगे हम बहुत महान है, और जहां मन करेगा यहां यहां सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं ये गलत हुआ, मोदी जी ने छोड़ दिया राजीव गांधी के हत्यारे को कोर्ट के आदेश के बावजूद, और वहां डीएमके कह रही है ये बहुत अच्छा हुआ ये छूट गया, डीएमके के साथ तो हाथ नहीं छोड़ा आपने। नहीं, अब स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस का क्या उसका रोल है? कांग्रेस के कौन से मिनिस्टर्स है स्टेट गवर्नमेंट? अरे भाई मिनिस्टर नहीं होंगे, सरकार चल रही होगी साथ में मिलके, मिनिस्टर्स नहीं है। आप बोल छोड़ दीजिए, सरकार से समर्थन ले लीजिए, बयान तो दिया होता, एक बयान तो देते कि डीएमके ने गलत किया। क्या बात कर रहे हैं सर, रिजवान में नहीं। और एक जरूरी बात ये जोड़ना जरूरी है कि महाराष्ट्र में जब कहते हैं कर्नाटक उत्तर प्रदेश जाता है तो उत्तर प्रदेश में क्या मिला, किस तरह से मिला, वो सबने देखा ओवैसी को। महाराष्ट्र में तो बाकायदा विधायक हैं, महाराष्ट्र में भी तो जाते हैं ओवैसी। तो ये तर्क समझ में नहीं आया तहसीन भाई कि कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं।